तो ये रहा हमारा आज का कैम एंड फॉलोअर के प्रॉब्लम का वीडियो, जिसमें मैं आपको कम से कम चार प्रॉब्लम्स की वीडियो बनाऊंगा। बहुत सारे वो डिफिकल्ट भी रहेंगे, हर एक टाइप्स के रहेंगे अलग अलग, तो आपको देखना पूरे टाइम के लिए कंपलसरी रहेगा। अगर आप देखेंगे नहीं तो आप समझेंगे नहीं। और ये वीडियोज में आपको अच्छी खासी ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ, जो अभी तक बहुत कम ही लोग यूज़ करते होंगे। सब लोग डरते हैं कैसे यूज़ करने, मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो प्लीज़ वॉच द फुल वीडियो टिल द एंड टू क्लियर योर डाउट्स कम्प्लीटली। तो यहाँ पे दिया गया है क्या कि एस इज इक्वल टू 45 mm, इसका मतलब यही यार, लिफ्ट कितना हाइट तक ये हमारा फॉलोअर ऊपर जाएगा और फिर रेस्ट लेगा या नहीं लेगा और फिर नीचे चलाएगा, तो वो लिफ्ट रहेगी, उसकी हाइट मैक्सिमम कितना ऊपर नीचे होगा वो। और थीटा हो यानी कि मतलब राइजिंग एंगल, ये थीटा हो 60 डिग्री दिया हुआ, थीटा डी जो 40 डिग्री दिया हुआ ड्यूएल का, थीटा आर जो 75 रिटर्न स्ट्रोक का है वो, और एन जो स्पीड उसकी दी गई है कौन सी स्पीड से वो चल रहा है फॉलोअर, 180 rpm कैम हमारा घूम रहा है। और आर जो है ना बेस सर्कल का रेडियस है, ये बेस सर्कल का रेडियस है 60 mm। तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, आपको सब कुछ बोल के दिया रहेगा, आप सब कुछ समझ जाएंगे। लिफ्ट ऐसा लिखा रहेगा लिफ्ट के बारे में, तो ये ऐसा हो गया, थीटा वो बोलेगा राइजिंग एंगल, ड्यूएल एंगल और फिर रिटर्न एंगल बोलेगा, स्पीड के साथ चल रहा है तो स्पीड ऐसा 180 rpm, बेस सर्कल का बोलेगा रेडियस इतना है। तो यही सब मैंने यहाँ पे गिवन में लिख दिया शॉर्टकट में, तो आप उसे देख लीजिए सब कुछ अच्छे से, डाउट तो कुछ रहना नहीं चाहिए। और यहाँ पे फिर रही बात तो अभी एक्सप्लेन करने की, तो बस सिंपल सा एक बॉक्स बनाना है और वो कैसे बनाना है वो भी बता दे रहा हूँ। वहाँ पे स्केल लेना होता है, तो द बेस्ट स्केल अब तक का यही है कि हम 360 डिग्री को 18 सेंटीमीटर में करें। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर 360 डिग्री उन्होंने टोटल दिया है ये, तो 18 सेंटीमीटर में कर देने का और फिर उसे एडजस्ट कर लेने का, यानी कि 2 डिग्री, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू करीब 20 डिग्री होती है आपकी, 20 डिग्री, तो ये 3 सेंटीमीटर में आ जाएगा और ये 2 में आ जाएगा और ये करीब 3.5 में आएगा, 3.5 से थोड़ा ज़्यादा। तो करना क्या है, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया वो बोला है शायद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से वो राइज कर रहा है और फिर जो ड्यूएल टाइम है, ड्यूएल है उसका एंगल वो 40 डिग्री का है और फिर SHM के साथ वो रिटर्न हो रहा है। ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यहाँ पे लिखना, यहाँ पे ड्यूएल लिखना, यहाँ पे SHM लिखना। तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये ड्यूएल हुआ और ये हमारा हुआ SHM। तो ये हो गया, और जो राइज का एंगल रहेगा और जो रिटर्न का एंगल रहेगा उसे हम 6 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। देख लीजिए आप, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 3 4 5 6, ठीक है। एक्सेलरेशन के बारे में मैंने पहले वीडियो में आपको अच्छे से समझा दिया है, ये एंड वाली पॉइंट है, यहाँ के पॉइंट को आप ज्वाइन कर दीजिए एक लाइन से और फिर वर्टिकल लाइन जो बीच में होती है 6 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, ऊपर टू पॉइंट करेंगे तो 6 हो जाएगा वो ऑटोमेटिकली, और ये नीचे की तरफ यहाँ से यहाँ तक और ये ऊपर की तरफ, और अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से वो रिटर्न भी होता ना तो ये ठीक सिमेट्री बनता, जो यहाँ पे दिख रहा है वो इधर चला जाता है, सिमेट्री जस्ट लाइक मिरर। तो यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट वाली लाइन को फर्स्ट यहाँ पे कट कर रहा है ए, सेकेंड वाली को बी, थर्ड वाली को सी, फोर्थ वाली को डी, यहाँ पे फिफ्थ वाली को ई और सिक्स वाली यहाँ पे एफ हुआ, तो ये सिक्स तो ये भी सिक्स रेस्ट पे है क्योंकि, और ये जीरो है तो यहाँ पे भी जीरो, 12 एक ही जगह पे होते हैं वो आके आपस में। तो ये हो गया आपका 12 पे आप यहाँ चले गए, और इसे क्या करना है ना, एक सिंपल सा ऐसे डायरेक्टली एक ही स्ट्रोक में फ्री हैंड ज्वाइन करना, वो एलिप्स और क्या बोलते हो उसे, फ्रेंच कर्व का यूज मत करिए, वो सब बहुत टाइम लगता है और आप 2-3 बार लगा लगा के सेट करते तो जाके कहीं एडजस्ट होता है या नहीं हो पाता है, तो वो सब बेकार है। तो पेंसिल उठाइए आप, डायरेक्टली इसे ज्वाइन कर दीजिए, डॉटेड वॉटेड कुछ नहीं, डायरेक्ट एकदम थोड़ा सा टेढ़ा होगा तो भी चलेगा। तो यहाँ तक हम आ गए, तो आगे मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ आपको, देखते रहिए उसे। SHM के लिए क्या करना होता है, SHM के लिए एक सर्कल ड्रॉ करते हैं हम लोग, जो SDR रहता है ना बीच में एक पॉइंट लेते हैं, सर्कल को ड्रॉ करते हैं, 6 सेगमेंट करते हैं। देखिए ये सब फ्री हैंड किया हुआ है सेगमेंट, आप ध्यान से देखिए,
यहाँ से यहाँ तक का एंगल 90 डिग्री है ना ये वाला, और ये भी 90 डिग्री है, तो आंखों से दिखाई दे रहा ना, वन टू थ्री, तीन पार्ट में डिवाइड कर दे मैंने आंखों से देखे बस डायरेक्टली, और ये लाइन सीधा यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ फटाफट। तो उसे क्या करना है, यहाँ पे मेजर उधर करके आपको कुछ मिलने उलने वाला नहीं है, ये डिस्टेंस जो है ना ऊपर नीचे थोड़ी बहुत कम ज्यादा होगी, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। और यहाँ पे जो कैम प्रोफाइल हम लोग निकालते हैं वो सिर्फ एक प्रोफाइल वो लोग देखते हैं, कैम की प्रोफाइल कैसी है बस, और कुछ नहीं चेक होता है, डिस्टेंस कोई कभी मेजर नहीं करता है, क्योंकि अपने अगर ना क्या बोलते हैं स्केल लेके भी ड्रॉ किया होगा ना तो वो डायग्राम थोड़ा छोटा बड़ा दिखेगा बस, लेकिन प्रोफाइल तो वही आने वाली है ना, तो वो फंडा है, ये सबसे कुछ नहीं होता है। तो आप इसे याद रखिए, तो ये 0 1 2 3 4 5 6, और फिर रिटर्न 7 8 9 10 11, यहाँ पे 12 आ गया, या 0 ही रहने दीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे ABCDEFG तक आ गए हम, तो ये फर्स्ट वाली अब देखिए ना, डिवाइड करने के बाद यहाँ पॉइंट से आप इसे वो कर दीजिए, यहाँ से यहाँ पे ज्वाइन करिए, यहाँ से यहाँ पे, और ये वाली लाइन से इधर इधर खींच दीजिए, और इसको मैंने बोला था ना 6 पार्ट में डिवाइड करने के लिए, ये जहाँ जहाँ पे कट होती है देख लीजिए आप, यहाँ पे पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, तो ये HIJKLM, यहाँ पे इसे भी एक स्ट्रोक में आप डायरेक्टली एकदम रिदम में देखिए, सिंपल हार्मोनिक मोशन आप इसे ज्वाइन कर दीजिए, और कुछ नहीं है यहाँ पे, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, और ये फिर 6, क्योंकि ये 12 है, 7 लिखते तो भी कुछ नहीं होता, 6 ही लिखना, 7 8 9 10, और यहाँ पे भी F लिखना है तो F लिख सकते हैं, जी की जगह पे कुछ नहीं होता है। और ये एंगल वगैरह देना भूलिएगा मत, हाँ अभी उसमें इसमें और उसमें जो हमें कैम प्रोफाइल ड्रॉ करनी है, और ये डिस्प्लेसमेंट डायग्राम में अभी इसमें कुछ आपको चेंजिंग नहीं करनी, अगर आपका ये लिफ्ट ना जो हाइट है वो 45 mm अगर दिया गया है ना, तो आप उसे स्केलिंग अगर नहीं कर रहे 45 mm, तो वहाँ पे भी स्केलिंग मत करिएगा, समझा रहा हूँ कैसे। अगर आपने 45 का मान लीजिए 90 ले लिया, तो ये हाइट तो डबल हो गई, बड़ी हो गई, अभी कैम प्रोफाइल जो बनने वाला है वो भी बड़ा सा बनेगा, तो उसका जो बेस सर्कल नहीं दिया हुआ ये, वो 60 की जगह तुरंत क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अगर आप इसे हाफ करते हो तो आपको इसे भी हाफ करना होगा, ये चीज अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लो। अगर आप इसके लिए, और ये जो लेंथ रहती है ना लेंथ हॉरिजॉन्टल वाली, इससे कुछ नहीं होता है, इसे यहाँ से लेके यहाँ तक भी ड्रॉ कर दिया ना एंड तक, कुछ नहीं होने वाला है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा आपके आंसर पे, फर्क इससे पड़ता है जो डिस्टेंस रहती है वर्टिकल वाली, मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ, उसे देख लीजिए, ये जो लाइन है ना नीचे वाली 0 से 12 तक, ये थीटा वाली, यही हमारे बेस सर्कल है यार, बेस सर्कल, बेस सर्कल से ना जितना हाइट ये दिख रहा है ना, ये हमारा कैम प्रोफाइल है, देख लीजिए इसमें ही सब समझ लीजिए, कैम प्रोफाइल है ये जो डिस्टेंस है ना यहाँ से यहाँ तक का, बेस सर्कल से ये डिस्टेंस उतना ही होना चाहिए किसी भी हालत में, चाहे रोलर हो या कुछ भी हो फॉलोवर, उससे कुछ फर्क नहीं है, ये डिस्टेंस ही मैच करना चाहिए बस, ये स्ट्रेट लाइन है, ये हमारा बेस सर्कल है, याद रखना ये बेस सर्कल वाली लाइन है, और ये हमारा प्रोफाइल है कैम का रेड वाला जो दिख रहा है आपको। तो ठीक है, अभी हम चले आते हैं नीचे वेलोसिटी में, वेलोसिटी वगैरह कैसे निकाली जाती है आप उसे देख लीजिए, बाद में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कैसे कैम प्रोफाइल को बनाएंगे। तो वेलोसिटी के लिए मैंने आपको फॉर्मूला पहले बता दिया था यार, एक्सेलरेशन का अगर दिया हो तो 2S into ω/ थीटा ओ, ये थीटा ओ का रीजन है, आप देख लीजिए ये पूरा यहाँ से यहाँ तक थीटा ओ ही यूज होने वाला है, और ये जो रहेगा ना ये वाला रीजन में पूरा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे देखिए थीटा आ रहा है, तो ये रीजन में पूरा थीटा आर आने वाला है। ठीक है, अभी देख लीजिए आप इसे, तो पहले आप वेलोसिटी का देखिए, तो फॉर्मूला है वहां पे यार 2S, वो जो S था ना वो लिफ्ट जो मैंने दिखाया था उसमें डिस्प्लेसमेंट में पहले ऊपर, यहाँ पे ये वाला S, तो वहां पे वो डालना है, और वो जो थीटा रहेगा ना उसे रेडियन में करना है, थीटा जैसे दिया हुआ था आपको 60 डिग्री दिया है ना ऊपर यहाँ पे, तो 60 into π/180 जब करेंगे तो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो फिर फॉर्मूले में डालेंगे आपको तो mm/s में मिलेगा वैल्यू, तो उसे 1000 से डिवाइड करेंगे तो फिर m/s में हो जाएगा, वो वेलोसिटी आपकी होती है, यहाँ पे मैंने लिखा है देख लीजिए। एक्सेलरेशन था तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती नहीं, वेलोसिटी चेंज होती है, देखिए ना ऊपर गया फिर नीचा, तो ये रेफरेंस लाइन है ब्लू वाली, ये जिसपे उंगली चला, ये रेफरेंस लाइन है ठीक उसके ऊपर है ये, तो यहाँ का फॉर्मूला है तो टॉप, ये मैक्सिमम वेलोसिटी है, ये मैक्स है वी मैक्स, बाकी यहाँ पे कुछ और होगी तो हमें यही फाइंड आउट करना होता है, क्वेश्चन में पूछते हैं वी मैक्स और वी मिन, मैक्सिमम वेलोसिटी एंड मिनिमम। तो यहाँ पे अगर देखिए एचएम के लिए कुछ अलग तरीका रहता है, पहले वीडियो जिसने देखा होगा उसे अच्छे से समझ में आएगा, माइनस में रहेगा जो कुछ भी रेफरेंस लाइन के नीचे आएगा ना,
कहीं पे कुछ भी आने दो, रिफरेंस लाइन के ऊपर है तो पॉजिटिव, नीचे है तो माइनस। फॉर्मूला है माइनस पाई एस इंटू ओमेगा बाई टू इंटू थीटा आर, ये रिटर्न वाला, ये वाला एंगल, ये वाले जोन में हम रिटर्न में हैं, देखिए ना ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे थीटा आर। तो उस तरह से करना है। तो वो होने के बाद बस आपको एक प्रोफाइल तो याद ही होनी चाहिए यार, कैसा होता है, यहाँ पे स्ट्रेट जाएगा और यहाँ पे ऐसा पैराबोलिक बनेगा नीचे की तरफ, वो याद होना चाहिए आपको, वो तो भूलना ही नहीं है, नहीं तो भूल गए तो फिर नहीं होने वाला है। और ये थीटा रहेगा, थीटा। एक्सेलरेशन में चले आओ, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी देख लीजिए क्या है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए, फोर इस इंटू ओमेगा स्क्वायर बाई थीटा ओ स्क्वायर, ये थीटा ओ का रीजन है तो यही रहेगा। एक बार ये ऊपर से नीचे की तरफ आएगा यहाँ पे, और जो यहाँ पे रहेगा ना वही यहाँ पे आने वाला है, कुछ चेंजिंग नहीं होने वाली है। क्यों नहीं होने वाली यहाँ पे बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन थी, सिक्स पार्ट में डिवाइड था, इसका हाफ ये हाफ हाफ है, इसके लिए हाफ है, ये हाफ है, ये ऊपर रहेगा या नीचे रहेगा, अभी सिमेट्री जो भी रहेगा इधर रहेगा, मैंने बार बार वही बोला, एक्सेलरेशन में ये फायदा है, यहाँ का सिमेट्री रहता है और वेलोसिटी में 180 डिग्री रिवॉल्व रहता है। अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दोनों दिया होता ना थीटा आर भी, तो ये वाला इधर आता बस नीचे की तरफ, और इधर ऐसे चेंज दिया होता तो ये ऐसे आता पैराबोलिक, और ये वाला इधर भी अगर एक्सेलरेशन दिया होता तो ऐसे ही बॉक्स बनता, जस्ट लाइक सिमेट्री, और इधर ऐसे चेंज दिया होता तो ऐसे सी, ठीक ऐसे सिमेट्री। तो यहाँ पे देखिए अभी थीटा आर का रीजन है ये पूरा, तो यहाँ पे पाई स्क्वायर इंटू एस इंटू ओमेगा स्क्वायर बाई टू इंटू थीटा आर स्क्वायर है, वो सब कुछ बता दिया है मैंने आपको। ओमेगा जो रहता है 2 पाई n/60 होता है, तो यही चीज़ आपको कैलकुलेट करनी ऊपर की तरफ, और ये नीचे आपको माइनस में बस उसका वैल्यू उठा के डालना है। तो ये जो रहेगा ना ये वैल्यू सेम रहेगा, क्यों रहेगा सेम, हाँ ये वैल्यू और ये वैल्यू में डिफरेंस हो सकता है, बिकॉज ये जो थीटा ओ है ना वो थीटा आर, उसकी वजह से ये कम ज़्यादा होता है। और यहाँ से देखो पहले लाइन कैसे खींचते हैं, यहाँ से यहाँ तक आना, यहाँ से यहाँ तक जाना, यहाँ से यहाँ तक, फिर स्ट्रेट ऐसे जाते हैं, फिर यहाँ पे आते, फिर यहाँ पे आते, फिर यहाँ पे आते, और यहाँ पे ऐसे 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 यहाँ से यहाँ तक, ये सब लाइन खींचना ज़रूरी रहता है, यहाँ से यहाँ तक, और बाकी रेफरेंस लाइन है, देखिए यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ, ऐसे 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 बस। तो ये हुआ कि हम प्रोफाइल कैसे ड्रॉ करनी है, उन्होंने बोला है शायद नाइफ एज फॉलोवर, तो नाइफ एज फॉलोवर के लिए वो नाइफ एज का रहेगा। देख लीजिए यहाँ पे ये जो आपका सर्कल है ना ग्रीन वाला दिख रहा है, ये भी पूरा ग्रीन ही था, ये बेस सर्कल है, बेस सर्कल, मैंने वहाँ पे स्केलिंग नहीं की ना तो यहाँ पे भी नहीं कर सकते, 60 mm रेडियस बोला है उन्होंने क्वेश्चन में, तो यहाँ से यहाँ तक का वो 60 mm लेंगे, रेडियस हो गया और ड्रॉ कर देंगे एक सर्कल सिंपल सा, और ठीक उसके यहाँ फॉलोवर ये नाइफ एज का। तो वो लोग क्या बोलते हैं मालूम है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में ये जो रहता है ना कौन सी स्पीड से 180 mRPM क्लॉक वाइज बोलते हैं, क्लॉक वाइज, और एंटी क्लॉक वाइज का मतलब बताता हूँ मैं बाद में, क्लॉक वाइज बोलने का मतलब क्या होता है वो देख लीजिए। अगर क्लॉक वाइज है तो एंगल का जो मेजरमेंट होता है ना वो लेफ्ट साइड एंटी क्लॉक वाइज होता है, ये याद रखना। अगर क्लॉक वाइज डिरेक्शन में रोटेट हो रहा है तो एंगल हम जब काउंट करते हैं ना तो एंटी क्लॉक वाइज करते हैं, क्योंकि यार एंगल हमेशा एंटी क्लॉक वाइज ही काउंट होता है। जीरो हमारा यहाँ पे रहता है राइट साइड में, और यहाँ से ऐसे हम जाते हैं तो हमारा जीरो अभी यहाँ पे हो गया, यहाँ से स्टार्ट होगा यहाँ से, क्योंकि नाइफ एज फॉलोवर यहाँ पे रुका हुआ है, तो यहाँ से जीरो है, ये घूमते घूमते यहाँ तक, बाकी रिमेनिंग जो ये दिख रहा है ना ये रिस्ट पे ड्यूल में सेकंड वाला ड्यूल, ये D1 है D2 है, रिमेनिंग 60 डिग्री है, और ये थीटा डी जो है 40 था और ये 75 था यहाँ से यहाँ तक। तो देखो कुछ करना नहीं होता है, अभी ये सर्कल ड्रॉ कर लिया बस। तो आप लोग क्या करते हो, प्रोटेक्टर लो और यहाँ पे यहाँ से 60 का ये एंगल बनाओ, एक टिक कर दो, और ये 40 का और ये 75 जो भी दिया हुआ है। तो वो करने के बाद आप लोग इसे एक एक मेजर करते हो कैल्सी में डिवाइड करके, तो ऐसा कुछ मत करो मैं बोलता हूँ डायरेक्ट, यार बीच में पॉइंट रखो दोनों के बीच, और इधर दो दो कर दो बस खत्म, इधर भी वही कर दो बीच में पॉइंट रखो दो दो, थोड़ा कम ज्यादा हो तो क्या, ये सब आप देखो ना आग से सब फ्री हैंड किया हुआ है, एकदम फ्री हैंड, कुछ लग रहा है आपको कम ज्यादा कुछ नहीं, 75 बोला था तो ये शायद लाइन थोड़ा इधर आती, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो वो सब हो गया, तो पॉइंट जो है ना मैंने बोला था यहाँ पे भी देख लीजिए दोनों एक साथ दिख रहा है, मैंने बोला था ये ब्लू वाली लाइन ये जो दिख रही है ये बेस सर्कल वाली लाइन, तो ये बेस सर्कल वाली लाइन, अगर इस पे पॉइंट है ना 1 2 से लेके 6 12 इस पे भी वही वाला आने वाला है सिंपल, और बाकी ये आगे जो थीटा थीटा जा रहा है ना वो रिमेनिंग वाला थीटा D2 ये D1 था, ये थीटा D2 आगे की तरफ रिमेनिंग है ड्यूल पे,
तो ये पॉइंट बेस सर्कल ये हमारा था, और यहाँ पे भी बेस सर्कल पे हमने इंडिकेट कर दिया। मैंने क्या बोला था, ये जो डिस्टेंस रहता है ना 9 से लेके ऊपर तक का, ये कैम प्रोफाइल है, 9 पे आ जाइए डायरेक्ट। चलो देख लो 9 से ये तक सब समझ में आ जाएगा। 9 से जे तक का वही डिस्टेंस वहां से उठाया यहाँ पे, बस ये वाली लाइन पे कट कर दिया। वही से हर एक डिस्टेंस को उठाना है और कट करते चले जाना है। और ये जो प्रोफाइल बनानी होती है ना, बहुत इजी होता है। इसको डायरेक्टली हम यहाँ से डायरेक्टली ऐसा फ्री हैंड ज्वाइन कर देते हैं। और यहाँ से यहाँ तक का डुएल पे है ना, तो आप कंपास लीजिए और यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट ड्रॉ कर दीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता है फ्री हैंड अगर नहीं होता है। लेकिन ये सब फ्री हैंड करिए, जल्दी से होता है। यही खाली प्रोफाइल ही चेक होती है आंसर में, और कुछ नहीं। हाँ, एक चीज जरूर याद रखिएगा, ये जो बेस सर्कल है ना, उसे पहले दिखा दीजिएगा। बेस सर्कल यहाँ से मत दिखाइएगा, क्योंकि ये भी अभी ब्लैक में आ गया ना, तो ये पूरा कैम प्रोफाइल हो गया। यहाँ से खींचना पड़ेगा जो ग्रीन दिख रहा है, अंदर से एरो लेके चाहे इस साइड जाओ, इस साइड दिखा देना। तो ये बेस सर्कल हो गया, और ये थीटा वगैरह जरूर दिखाना है, सब बहुत मायने रखता है। थीटा ओ, थीटा डी, थीटा आर और थीटा डी टू, यहाँ पे एंगल लिखा नहीं तो भी चलेगा, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन में तो आप पहले लिख देते गिवन डेटा, और फिर डिस्प्लेसमेंट डायग्राम में यहाँ पे तो ये थीटा आर दिया है, तो यहाँ पे वो समझ जाएगा कि थीटा आर कितना है आपका। कैपिटल लिखा है तो यहाँ पे भी कैपिटल लिख दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, उससे कुछ नहीं होता है। बशर्ते आपको ये स्केलिंग का ध्यान रखना, वहाँ पे स्केल नहीं किया तो यहाँ पे भी नहीं कर सकते। और उसके बाद कुछ करना नहीं होता, फ्री हैंड आप ज्वाइन कर देते हैं। बस वही डिस्टेंस बार बार लिफ्ट करनी है वहाँ से कंपास में, और यहाँ पे अगर वन वाली लाइन पे कट करेंगे, सेकेंड वाली सेकेंड, तो फिफ्थ वाली आके देख लीजिए आप, फिफ्थ वाली फिफ्थ पे कर देंगे यार, ज्वाइन कर देंगे सिंपल एकदम। और फिर जो बचा हुआ है इधर डार्क कर देंगे, तो ये लाइन एकदम डार्क होनी चाहिए कैम प्रोफाइल वाली। और ये बेस सर्कल तो आपको यहाँ पे दिखाना होता है, देखो ना कैम प्रोफाइल बेस सर्कल, तो यहाँ पे रहेगा बेस सर्कल, 9 इंच फॉलोवर, नीचे लिख देना फिगर कैम प्रोफाइल, बस ये रहा आपका आंसर, और कुछ करना नहीं होता है। तो ये वीडियो रहा हमारा आज का यहीं पे डन। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर एक बार नहीं समझ में आता तो 2-3 बार वीडियो को जरूर देखिए, सब कुछ डाउट आपका हो जाएगा क्लियर, और फिर उसके बाद कुछ बचता नहीं है पूछने के लिए। हर एक फंडा मैंने बता दिया कि सब डायरेक्टली आपको पॉइंट इंडिकेट करने हैं यार, वो सब मेजर मत करो आप, एंगल एंगल वेंगल मत मेजर करो, कैलसी वैलसी का यूज मत करो इतना कुछ, वो सब टाइम वेस्टिंग है, कुछ नहीं होता है आपका, सिर्फ कैम प्रोफाइल चेक होता है। ये सब ट्रिक्स जो मैं आज आपको बता रहा हूँ, बहुत कम लोग ऐसा जानते हैं, कोई यूज़ नहीं करता है, सब डरते हैं वही लिप्स वगैरह और फिर जो भी रहता है उसका यूज़ करते हैं कॉ बनाने के लिए, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को मेरे पूरा से पूरा देखा करो शुरू से आखिरी तक, और फिर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट्स करना मत भूलिएगा प्लीज़, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाते रहिए दोस्तों में। मैं आप सभी के लिए बहुत सारी अच्छी वीडियोस बनाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नाइस टाइम विद यू, गुड बाय।